अब देखो सावित्री की जंगल में शादी कर देता है सत्यवान के साथ उसका पिता, तो वो दिन आ जाता है। नारद जी ने कहा था कि सावित्री एक साल का जीवन है तेरे पति का, तो वो दिन आ जाता है। देखो यम के दूत सत्यवान लकड़ी काट रहा था पेड़ के ऊपर, वहीं पहुंच जाते हैं। अचानक सत्यवान घबरा सा जाता है, हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं और सावित्री से क्या कह रहा है देखो। पावे माने चक्कर सायावे से वो जी घना दुख पावे माने चक्कर सायावे से सत्यवान इस जिंदगानी ने नाटन ने ओरा से। अरे सत्यवान इस जिंदगानी ने नाटन ने ओरा से। लागरी चक्कर सायावे से अरे काया के माँ भड़क लागरी चक्कर सायावे से अरे काया के माँ भड़क लागरी चक्कर सायावे से। वो शंकर भगवान की के सावित्री मेरे प्राण काट कोई ले जाना चाहे से। अरे दुश्मन काली खून दही का चाटन ने हो रहा से, बेरी खाली खून दही का चाटन ने हो रहा से, काया के माँ भड़क लाग रही चक्कर सावे। सावित्री मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस नहीं पाऊंगा, जरूर मेरे कोई प्राण निकालने चाह रहा है। तो सावित्री समझ जाती है कि मौत का बुलावा आ गया, कोई इलाज नहीं है। सावित्री सत्यवान को पेड़ से नीचे उतारती है कि हे पतिदेव, या मेरे पैरों पर अपना सिर रख के सो जाओ, मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी। सावित्री के आंखों में से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं और क्या कह रही है, जानू सूं और किसी को न बेरा, तेरे दर्द को तो मैं जानू पतीना और किसी को बेरा, तेरे दर्द को मैं जानू पतीना और किसी को बेरा। वो शंकर भगवान की के पेड़ से नीचे उतरो पति, क्यों फीका पड़ गया चेहरा, वो तेरे दर्द ने मैं जानू सुने और किसी ने बेरा, और किसी को मालूम नहीं है या मेरे को मालूम है, नारद जी को या परमपिता परमेश्वर को। सावित्री को पता था कि मौत का बुलावा आ गया, अभी नारद जी ने जो कहा था वो दिन आ गया। यमदूत आ जाते हैं, बोलते हैं सावित्री, सावित्री कहते हैं यमदूतो मेरे पति की प्राणों की रक्षा करो, मेरे पति के प्राण बख्श दो, मैं सती औरत हूं, अकेली इस जंगल के मायने कैसे रहूंगी, क्या करूंगी। तो यमदूत कहते हैं सावित्री तेरे जैसी सतियां 160 मिलती है हमें दिन में, हम मृत्यु लोक से आज तक खाली हाथ नहीं गए और नहीं जाएंगे,
और नहीं यह संभव है। तो सावित्री कहती, अच्छा ये बात है तो आप मेरे पति के प्राण ले जा नहीं सकते। वो भी एक सती थी। देखो अब सावित्री अपने मुंह से अग्नि निकालना शुरू कर देती है तो यमदूत और सावित्री के बीच खूब भयंकर युद्ध होता है। यमदूत आखिर में हार के भाग जाते हैं और सावित्री अपने पति को वहीं पैरों पे सुलाए रखती है। यमदूत जाते हैं यमराज जी के पास कि महाराज उस औरत के मुंह से अग्नि निकले है, हमारी चारों की जान कोई गंवाने के लिए नहीं है, हम उसके प्राण नहीं ला सकते। यमराज जी कहते हैं गजब कर दिया आपने। तो सीधे यमराज जी वहां से अश्वार होके और मृत्यु लोक में आते हैं। आंधी तूफान चला देते हैं, खूब तकड़ी बारिश करते हैं। मन विचार करते हैं सावित्री डर के गांव को भाग जाएगी और अपन सत्यवान के प्राण निकाल के ले आएंगे। तो यमराज जी जब पास आते हैं और सावित्री को बोलते हैं, समझाते हैं कि सावित्री तेरे और इसके इतने लिखे होते हैं, इस ब्रह्म जाल में मत रहो, तुम अपना काम करो और मैं इसके प्राण ले जाने दो मेरे को। सावित्री कहती है, यमराज जी मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो। अब देखो यमराज जी नहीं मानते और क्या कह रहे हैं। त्याग दे आए हैं यमराज, अरे यमराज आए सावित्री लेने पति के प्राण। ओ यमराज आए सावित्री लेने पति के प्राण। बोलो शंकर भगवान की। के सावित्री तेरा भ्रम देख यमदूत हुए हैरान। यमराज आए सावित्री लेने तेरे पति के प्राण। हे सावित्री मैं खुद आया हूं और तेरे पति के प्राण नहीं बच सकते, इस भ्रम जाल से मुक्त हो जाओ और मुझे इसके प्राण ले जाने दो। इसके जितने दिन लिखे होते सारे कट गए, अब ये नहीं बच सकता। सावित्री नहीं मानती है, अपना स्थान नहीं छोड़ती है। यमराज की भी हिम्मत नहीं होती कि इसकी गोदी में से उठाकर इसके प्राण निकाल लें। अब देखो यमराज एक चाल चलता है, एक माया रूपी फूल बनाता है दूर पे और सावित्री को बोलते हैं, अच्छा मैं प्राण बख्श दूंगा इसकी, तुम वो फूल लेके आओ। सावित्री वो फूल लाने के लिए जाते, इतने में यमराज सत्यवान के प्राण निकाल कर भाग पड़ता है। देखो अब देखो सावित्री वापिस आती है तो सत्यवान मरा मिलता है। सावित्री मन विचार करती है, धोखा किया यमराज ने और क्या कह रही है। चल्या करे था बाकी लकड़ी तोड़ी, वो जिनके सारे चल्या करे था बाकी लकड़ी तोड़ी। सारे चल्या करे था बाकी लकड़ी तोड़ी, वो जिनके सारे चल्या करे था तू बाकी लकड़ी तोड़ी।
भगवान की, बजरंगी बली की। अब देखो कह अंधे सासू सुसरे मेरे उनकी किस्मत फोड़ी, अरे जिनके सारे चल्या करे था बाकी लकड़ी तू तोड़ी। हे अमराज तूने बहुत अन्याय कर दिया, और क्या कर रही है यमराज, अन्याई आके नाता मेरा तोड़ा। ओ यमराज, अन्याई आके नाता मेरा तोड़ा। अरे यमराज, अन्याई रे आके माता मेरा। बोल शंकर भगवान की, के आधे अंकी सातन ने तूने मुखड़ा कैसे मुड़ा। हे सत्यवान, इस भरी जवानी में मेरे को अकेली छोड़ के चले गए आप, बहुत गजब कर दिया। सावित्री बहुत रोती है, और रोते रोते और क्या कह रही है देखो। वो सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी भगवान, सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी रे भगवान, सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी भगवान। जोड़ी ने बिछड़ा दी भगवान, सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी भगवान। बोल शंकर भगवान की, के सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी भगवान। हे भगवान, हमारी दोनों की जोड़ी सारस के जैसी थी, और इस यमराज ने, अन्याय ने इस जोड़ी को बिछेड़ दिया। सावित्री बहुत क्रोधित होती है और सोचती है अब क्या किया जाए। सावित्री दौड़ के यमराज के पीछे देवलोक तक चली जाती है। सावित्री को पीछे आते देख यमराज जी रुक जाते हैं। सावित्री बोलते है, ठहर जाओ यमराज जी, मेरे पति के प्राण मेरे को वापस देके जाओ, नहीं तो आप आगे नहीं जा सकते। यमराज जी बहुत समझाते, सावित्री नहीं मानती और अपने मुंह से अग्नि निकालना शुरू कर देती है। तो यमराज जी के भी छक्के छूट जाते हैं। देखो सोचते हैं अपन सत्यवान के प्राण लेके आए थे, ये अपने प्राण ले गया। अब देखो यमराज जी कहते हैं, सावित्री तो जो मांगना चाहती है वो मांग ले, पर तेरे पति के प्राण तेरे को नहीं मिल सकते। और क्या कहें, सती ने वचन भरवा के सती ने शुरू किए वरदान। अरे सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। वो सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। ओ सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। बोलो शंकर भगवान की। अब देखो तीन वचन कौन कौन से हैं। पहला वचन सावित्री क्या मांगती है,
मार के मेरे सुसरे का राज करो, थोड़ा राई ने मार के मेरे ससुरे का राज करो। बोलो शंकर भगवान की। पहला वरदान मांगती है सावित्री, सासू ससुरे अंधे हैं कुछ उनका ख्याल करो, अरे चोड़ा राय ने मार करे ससुरे का राज करो। सालम देश में चोड़ा राय जो नौकर है मेरे ससुरे से राज छीन लिया था, उसको मार कर मेरे ससुरे का राज करो। यमराज जी कहते हैं सावित्री जो मांगा वो मिल गया तेरे को। अब दूसरा वचन सावित्री मांग रही है, देखो कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। वो सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। वो सावित्री कहे यमराज जी। बोलो शंकर भगवान की। कह मेरे बाप के पुत्र दे दो जद मैं भाई की देखूं शान। हे यमराज जी मेरे कोई भाई नहीं है, मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मेरे पिता को पुत्र दो ताकि मैं भाई का मुंह देख सकूं। यमराज जी बोलते हैं जो मांगा मिल गया, तथास्तु बोल देते हैं। और अब तीसरा वरदान सावित्री क्या मांग रही है। ससुरे अंधे हैं कुछ उनका ध्यान धरो, मेरे सासू ससुरे अंधे हैं कुछ उनका ध्यान करो।
सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। ऐ सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। वो सावित्री कहे यमराज जी वो शंकर भगवान की कहे आज तलक जो किए पाप उन सबको दूर करो। सासू ससुर अंधे हैं कुछ उनका ध्यान करो। हे यमराज जी मैंने आज तक जितने पाप किए उन सारों को माफ करो और मेरे सासू ससुर अंधे हैं कुछ उनका ध्यान करो। मेरी कूक से लाल करो मेरी हुई नहीं संतान। हे यमराज जी मैं निपुत्र हूं पुत्र इन्होंने मेरे आज तक कोई संतान नहीं इसलिए मेरी कूक से एक संतान उत्पन्न करो। देखो यमराज जी अपना पीछा छुड़ाने के चक्कर में तथास्तु बोल देते हैं। अब सावित्री क्या करिए। जति सती की जोड़ी पतिव्रता नार के बिना अरे सती के पुत्र होता नहीं तो भरतार के बिना। हे यमराज जी आपने पुत्रवती होने का तो वरदान दे दिया मगर सती के पति नहीं होगा तो पुत्र कहां से होगा। यमराज जी की देखो आंखें ऊपर चढ़ जाती है। मन विचार करते हैं ये क्या कर दिया वरदान दे दिया और अब सत्यवान को छोड़ना पड़ेगा। सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। ओ सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। ओ सावित्री कहे यमराज जी।
स्त्री का धर्म नहीं, छोड़े सात पति का सती का धर्म नहीं, छोड़े सात पति का। अब देखो सतियां बहुत हुई है लेकिन सावित्री जैसी सती आज तक नहीं तो हुई है ना होगी। अचंभे की बात एक ये है कि मृत्यु लोक से यमराज जी जैसे को खाली निकाल देना कोई मामूली बात नहीं है। जितनी उम्र थी सत्यवान की उससे ज्यादा उसने करवा ली, उससे बड़ी सत्य और क्या होगी। शंकर भगवान की।